इसमें भोजन का भी मिल जाएगा और 5 लाख तक का इलाज फ्री हो जाएगा कहीं भी, कई अस्पतालों में, केवल सरकारी नहीं तमाम अस्पताल होते हैं जिसमें आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को ये सुविधा है। ये भी बताते चलो भाई, कहूँगा अरे इन्हीं क्या चले जाइए, बन जाएगा, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा, सबको बताते चलिए। ये बल्कि चिपका दो यहाँ से लिख के कि जितने अंत्योदय कार्ड धारक है तुरंत आयुष्मान कार्ड बनवा। इतना हो गया तेल मुफ्त रिफाइंड सोयाबीन तेल, और ये नमक भैया, और गेहूँ कितना मिला? 35 किलो पूरा। गेहूँ और चावल कितना कितना दे रहे हो? 20 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल, 5-5 10। 20 किलो गेहूँ, देखो चावल देखें। चलिए ठीक है, अभी एक बार और मिलेगा जी सर, दो बार। हाँ अच्छा है, चावल तो अच्छा है, उत्तर प्रदेश में कई राज्यों से बेहतर चले चले करेंगे, बढ़िया सा बात। क्या नाम है आपका? रामदास। चलिए कराइए, देर तक बैठे, देर तक बांटिए, शाम तक बैठे, 5-6 बजे तक। हाँ कोई भी वापस ना आ जाए, कोई नहीं, ठीक है। अच्छा है, वो लाल कार्ड वालों को भी एक चिपका दो, थोड़ा आप ही जो मिल जाए बताते रहिए। सर हमें 4-5 बार कैंप लगवाया है, काफी बन चुके हैं हमारे घर में, ज्यादातर सब लोग पांडे जी आयुष्मान में है ना, हमारे यहाँ लगता है। चलिए और आप लोग भी लेने आए हैं जी, चलिए लीजिए फटाफट। अन्न योजना, अन्न महोत्सव जो भारत सरकार का एक विजन है, कोई भी भूख से न तड़पे, कोई भी भूख से न मरे, इस लिहाज से जो उत्तर प्रदेश की सूबे की सरकार और भारत सरकार ने माननीय मोदी जी ने निःशुल्क राशन दिए जाने की योजना का संचालन किया है, इसी को निरीक्षण करने डीएम साहब आए थे। डीएम साहब ने सभी लोगों से पूछा भी, किसी से कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा है, सभी ने उनके सामने बताया कि नहीं हमको निःशुल्क राशन मिल रहा है और 2 खंडों में राशन निःशुल्क मिलना है। 1 तारीख कौन सी है? आज की हो गई 1-20 तारीख को दोबारा, महीने में दो बार निःशुल्क राशन दिया जाना है। भारत सरकार की इस अनुपम योजना में लोग लाभान्वित हो रहे हैं और वो हर्षोल्लासित हैं कि कोरोना कालखंड के बाद तमाम विभिषिकाओं के चलते सरकार की ये योजना उनके लिए लाभकारी है।